हरे कृष्णा, दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 7 अक्टूबर। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, तो आज मैं तीन ओरेकल डेक यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, शायद थोड़ी लंबी चले रीडिंग, तो देखते हैं क्या कार्ड्स निकलते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ। ओके, तो उनके हार्ट में क्या चल रहा है देखते हैं। 4 कार्ड्स तो आ गए, ये आ गया 5वां कार्ड्स। ठीक है, ओके, ये आगे 5 कार्ड्स। ठीक है, पांच कार्ड्स चुनते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज और हर हार्ट, व्हाट आर द थिंकिंग, क्या चल रहा है उनके दिल में। ठीक है, 5 कार्ड्स आ गए। तो कार्ड्स देखते हैं क्या आए हैं। ओके, काफी दिनों बाद एक कार्ड आया है। ओके, ठीक है, तो देखते हैं। ओके, तो ये व्यक्ति थोड़े से वरिड है, चिंतित है। ठीक है, क्या होगा, कैसे होगा रिलेशनशिप में, इसके बारे में सोच रहे हैं, यू नो, एंड वरिड है काफ़ी। आपके बारे में फिकर कर रहे हैं, यू नो, एंड जस्ट थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत कुछ। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी नेक्स्ट मूव क्या होनी चाहिए। ओके, आपके बारे में सोच रहे हैं कि व्हाट यू कुड बी थिंकिंग, यू नो, आप क्या सोच रहे हो। ओके, सो व्हाएवर पर्सन हु इज़ इन देयर हार्ट, जो भी इनके दिल में है, उनके बारे में सोच रहे हैं कि उनसे कैसे बात करें एंड उनसे कैसे बयां करें कि उनसे प्यार करते हैं, यू नो, और उनको एक नई शुरुआत करनी है। तो इस वजह से वरिड है, क्या होगा, कैसे होगा। आई थिंक थोड़ा फैमिली का प्रेशर है, स्पेशली उनका मॉम का प्रेशर होगा, यू नो, कि उनके मॉम के हिसाब से क्या वो बहू ला पाएंगे या फिर कैसे बताएंगे अबाउट, यू नो, हिज लाइफ वगैरह। या फिर अगर लड़की है तो वो भी, यू नो, हाउ टू टेल अबाउट इट। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो आई थिंक दे आर हैविंग अ प्रेशर, यू नो, टू हाइड समथिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स, कैसे अपने पेरेंट्स को बताएंगे ये चल रहा है उनके दिमाग में, यू नो, सो वरिड है। लेकिन आई थिंक ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दबाजी करना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि यू नो, देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जेलस, या फिर उनको लग रहा है कि समबडी कुड इंटरसेप्ट, बीच में कोई घुस सकता है इनके रिलेशनशिप में। तो इससे अच्छा है, बेटर है कि यू नो, उस व्यक्ति को कन्विंस करें एंड डायरेक्टली कहे कि वी आर एंगेज्ड, यू नो, ये उनके दिमाग में चल रहा है। सो इसलिए वरिड है, यू नो, आपके पीछे भाग रहे हैं। अगर आपके सेपरेशन को 2 से 4 हफ्ते हुए हैं या फिर 2 महीने हुए हैं, यू नो, तो शायद वो आपके पीछे भागेंगे, यू नो, लाइक दैट, कि कम बैक करके, ऐसा शायद उनको उनके दिमाग में चल रहा है, यू नो, समथिंग लाइक दैट। अगर किसी दोस्त के वजह से सेपरेशन हुआ है तो डेफिनेटली उस दोस्त से कम्युनिकेट करना चाहेंगे या फिर दोस्त की जानकारी निकालेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, व्हाई डिड ही से समथिंग जिसकी वजह से दोनों के बीच सेपरेशन हुआ। सो ये उनके दिमाग में चल रहा है, दिल में चल रहा है, वरिड है। सो द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, ओके, आपके बारे में सोच रहा है, लाइक दैट स्टफ। शायद उनको लग रहा है कि आप रो रहे हो, यू नो, लाइक दैट स्टफ। एंड और क्या लग सकता है, फील हो सकता है, यू नो, कहीं आप दूसरे जगह पर शिफ्ट ना हो जाओ, ऐसे उनको लग रहा है, यू नो। अगर आपके सेपरेशन को 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, यू नो, सो इस पर्सन ने होप्स तो लूज़ नहीं किए हैं। ओके, ये पर्सन फिर भी आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन रिलेशनशिप के बारे में वर्ड है कि क्या रिलेशनशिप पहले जैसी हो सकती है, यू नो, जैसे आप पहले होते थे, बहुत ही दिलचस्प, एंड जिस तरह से बातें करते थे एक दूसरे के साथ, समय बिताते थे, यू नो, इट वाज लवली फॉर बोथ ऑफ यू। तो क्या आप वैसे समय बिता पाओगे, सो समथिंग लाइक दिस गोइंग ऑन इन देयर हार्ट।
तो शायद ये उनके दिमाग में चल रहा है, दिल में चल रहा है, और शायद इसके लिए रेडी हो ना हो, ओके तो सोच रहे हैं आपके बारे में, समथिंग लाइक दैट, कि कॉन्टैक्ट करे या ना करे, ओके अगर 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो शायद इनके लाइफ में कोई आ गया था, ओके बीच में समवन, एंड सडनली चला भी गया है, एंड उनके सेपरेशन को भी शायद 2 से 2.5 महीने हो गए हैं, ओके सो राइट नाउ ये व्यक्ति इसलिए आपसे कम्युनिकेट कर सकता है अगर आपका 2 साल का है यू नो सेपरेशन, बिकॉज जो टाइम पीरियड है इनके सेपरेशन का किसी और व्यक्ति के साथ वो भी 2.5 महीने का है, सो यू नो 2.5 महीने एंड 2.5 साल, सो यू नो इट्स लाइक कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कम्युनिकेट होता है, सो ये कुड बी हैपनिंग। लेकिन आप क्या करोगे नेक्स्ट मूव, आपका क्या होगा इसके बारे में वर्ड है, यू नो इसके पहले आप किसी और को प्रपोज करो या फिर यू नो शादी तक पहुंचो, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, यू नो ये हो सकता है। समवेयर इनका मेल ईगो भी है, यू नो क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे प्यार किया था, ओके इन्होंने आपसे प्यार किया था, आपका प्यार वो नहीं काउंट कर रहे, अपना प्यार काउंट कर रहे हैं, एंड अगर आप किसी और से कन्फेस कर रहे हैं अपना लव तो ये इनके मेल ईगो को हर्ट करेगा, एंड अगर इनके पहले आपकी शादी हो गई सो इट विल हर्ट देम बैडली, ज़िंदगी भर ये दुख रहेगा इनके दिल में, तो शायद आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि वो वापस से आपको हर्ट कर सकेंगे, यू नो हर्ट करना चाहेंगे वापस से आके, यू नो कि आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और बीच मझदार में फिर छोड़ के चले जाएंगे ताकि आप दोबारा हर्ट हो जाए और ये आराम से ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। सो समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन, दैट इज़ द रीडिंग कमिंग एनर्जी कमिंग फ्रॉम दिस कार्ड। ठीक है, वर्ड है ओके, दिस पर्सन इज ट्रैप्ड इन रिलेशनशिप। ओके ये ट्रैप्ड हो चुका है, मोस्टली तो लग रहा है कि इसके फैमिली ने अरेंज मैरिज फिक्स कर लिया इसके लिए, ओके एंड जो व्यक्ति है सामने वाली व्यक्ति, इसको ये बहुत पसंद आ गया है, लड़का है लड़की है जो भी है इसको बहुत पसंद आ गया है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति के पास वो सब क्वालिटीज़ हैं, यू नो अच्छी फैमिली है, अच्छा घर है, ठीक है अच्छा जॉब है, बिजनेस है जो भी चल रहा है, 80% तो जॉब ही होगा, 20% बिजनेस के चांसेस है, तो सब अच्छा चल रहा है, एंड जिसको ये देख रहा है वो व्यक्ति भी बहुत अच्छी है, मतलब व्यक्ति काफ़ी सुंदर है, खूबसूरत है, यू नो और इफ ए गाय है तो काफ़ी हैंडसम है, सो समथिंग लाइक दैट गोइंग ऑन। तो कहीं ना कहीं ट्रैप्ड फील कर रहा है, यू नो एंड दिस पर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट हिज एक्स, जो भी इस व्यक्ति के लाइफ में है एक्स उसके बारे में सोच रहा है, तो ये एनर्जी उससे कनेक्ट हो रही है, यू नो द पर्सन इज़ कनेक्टिंग टू एक्स, सम मेमोरीज है उसकी एक्स से कनेक्टेड, तो उसको भुला नहीं पा रहा है इंसान, वापस से कनेक्ट हो रहा है, यू नो सो मेमोरीज मोस्टली रिलेटेड टू यू नो सम काइंड ऑफ हिल स्टेशन, ये इसके दिमाग में हो सकती है कहीं ना कहीं पे, यू नो रेजोनेट, ओके लाइक देयर फर्स्ट क्रश, ये हो सकता है समवेयर इनको लग रहा है कि ये ट्रैप्ड है, ओके एंड ये इसलिए अपने किसी दोस्त की हेल्प ले सकते हैं, यू नो टू रीच आउट टू यू, ओके एंड मुझे लग रहा है कि अभी आप इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हो जितना पहले थे, शायद आपको इसके बारे में पता चला हो और आपने कहा कि ओके ठीक है हो रहा है तो हो रहा है मुझे क्या है, यू नो समबडीज लाइफ इज़ गोइंग टू बी हैप्पी तो मैं हैप्पी हूँ, तो शायद आपकी सोच ऐसी होगी, लेकिन ये व्यक्ति शायद आपसे हेल्प मांगेगी, यू नो टू गेट दैट पर्सन आउट ऑफ दैट, तो ये हो सकता है समवेयर एक कनेक्शन बैठ सकता है, यू नो ये आपकी पार्टी हो सकती है पूरे दोस्तों की, और वहाँ पे कोई कह सकता है कि यू नो पता चला उसकी शादी हो रही है वगैरह वगैरह, तो सब चल रहा है, यू नो ट्रैप्ड, एस्पेशली इस व्यक्ति की जो मॉम है वो इसको कह रही है कि यू हैव टू मैरी, यू नो सो ये चल रहा है, या फिर एटलीस्ट एंगेजमेंट कर लो साल भर के लिए तो बंधन में रहोगे, किसी और से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, यू नो बिग सिटीज़ मोस्टली नज़र आ रही है, यू नो लाइक बैंगलोर वगैरह, एंड IT फील्ड मोस्टली होगा, डिपेंड करता है, कोई लॉयर भी हो सकता है, इंजीनियर, ओके समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये फिर कार्ड है, ये व्यक्ति अभी पीस चाह रहा है अपनी लाइफ में, पीस शांति चाह रहा है, इसको अपना दिमाग पूरा शांत करना है, कोई भी हलचल उसके लाइफ में नहीं चाहिए इसको, यू नो कि किसी के पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है, स्ट्रगल चल रही है, यू नो सामने वाला व्यक्ति कन्फेस करेगा नहीं कन्फेस करेगा, फिर और 2-4 साल अफेयर चलेगा इनका, सो लाइक दैट द पर्सन इज नॉट हैविंग सच काइंड ऑफ थिंग इन हिज ऑफ हार्ट, वो बस चाहते हैं कि उनको शांति चाहिए, यू नो दे आर लुकिंग फॉर पीस, कैसे भी करके उनको शांति चाहिए अपने दिल में, तो वो बनाने के लिए वो
कुछ भी करने को तैयार है. यू नो दे कुड कॉन्टैक्ट यू, दे कुड कम्युनिकेट यू, दे कुड टॉक टू यू. जो हो सकता है इस व्यक्ति की सफरिंग चल रही है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इस व्यक्ति की जो फैमिली है वो ज़्यादा सफ़र हो रही है. इसकी फैमिली स्पेशली हिज मॉम सफ़र हो रही है, ओके. एंड इस व्यक्ति की वजह से शायद उसके भाई या बहन की शादी रुकी हुई है, मे बी पॉसिबिलिटी है. एंड ये जो व्यक्ति है ये हार्ट ब्रेक करने वाला व्यक्ति है. इसने काफ़ी लोगों का हार्ट ब्रेक किया होगा, ओके. लेकिन इसको ट्रू प्यार कभी नहीं मिला. मतलब आज तक शायद इसने काफ़ी सारे अफेयर्स किए होंगे और ही कुड हैव हैड रिलेशनशिप में भी. लेकिन इसको मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम कनेक्ट होते हैं, आप शायद कनेक्ट हुए होंगे, लेकिन ये जो व्यक्ति है कनेक्ट नहीं हुआ है अभी किसी से कि ये मेरा ट्रू लव है. सो दैट कुड बी द रीज़न व्हाट इज़ हैपनिंग. इसलिए व्यक्ति सफ़र हो रहा है. मे बी इसके लिए सामने से ऑफ़र आ रही है, यू नो कि यू शुड मैरी, प्रपोजल आ रहा है सामने से, लेकिन इस व्यक्ति को कनेक्ट नहीं हो रहा है कि मैं शादी करूँ तो किससे करूँ. दिखने में शायद सुंदर होगा, व्यक्ति अच्छा होगा दिखने में, बैंक बैलेंस भी काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन इसका मन नहीं मान रहा है कि मैं शादी करूँ तो किससे करूँ. ये विड्रॉल कर सकता है अपनी फैमिली से, बोल के विड्रॉल कर सकता है कि मुझे शादी नहीं करनी या फिर मुझे आगे नहीं बढ़ना ज़िंदगी में, यू नो. तो ये हो सकता है. समवेयर अपने दोस्तों के साथ ही कहीं पर रहता होगा, रेंट पर कहीं, यू नो किसी जगह पर, ओके. ट्रैवलिंग पसंद होगा इसको, ओके. आउटिंग करना तो बहुत पसंद होगा, ओके. अभी शायद इसके लाइफ में एक या दो गर्लफ्रेंड हो सकती है, मे बी पॉसिबिलिटी है. एंड वो भी इसीलिए बिकॉज ही इज़ यू नो रिच एंड हैंडसम, यू नो, या फिर पैसा खर्च करता है उसके वजह से. तो एक्चुअली विड्रॉल कर रहा है थोड़ा अपने लाइफ से, मतलब फैमिली से विड्रॉल कर रहा है, लेकिन इसके एन्जॉयमेंट तो चालू है. सो अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति एन्जॉयमेंट नहीं कर रहा, सो तो ये एन्जॉयमेंट कर रहा है, ओके. तो डिपेंड करता है कि इसमें से कौन सा कार्ड आपसे कनेक्ट होता है. जिस तरह से मैंने कहा है, देखिए आप क्या कनेक्ट होता है, ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, ठीक है. यहाँ पे मास्टरी है, यू नो डिवाइन टाइमिंग आ रही है इसके लाइफ में. एंड जो भगवान के प्लान से उसके लिए वर्कआउट हो रहे हैं, जो भी इसके लिए इसके नसीब में लिखा है वो अभी मैनिफेस्ट होना शुरू हुआ है. तो चाहे इंसान इसके लिए रेडी हो ना हो, लेकिन उसके लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं. अब इसके लिए रेडी होता है या फिर नहीं होता है डिपेंड करता है, ओके. जैसे कि मान लीजिए भगवान ने लिखा है कि इसकी शादी होके रहेगी, यू नो इफ़ यू टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी, और अगर इसके प्लैनेट ऐसे कह रहे हैं कि इसकी शादी होगी इसी साल, तो होगी ही डेफिनेटली. फिर ये कितना भी ना ना कहे लेकिन शादी होकर रहेगी, यू नो ही कुड हैव केयर्स एंड लाइफ वेयर स्टफ. सो आई थिंक ये मोमेंटम इसके लाइफ में आ गया है जहाँ पे ये सेटल होने वाला है, ओके. ये व्यक्ति सेटल होने जा रहा है. अब बस इतनी समझ बाकी है कि क्या ये व्यक्ति जिससे शादी करेगा उससे दिल लगाएगा या नहीं, ओके. या फिर इसके दिल में कुछ और है और जुबा पे कुछ और है. सो दैट इज़ गोइंग ऑन, ओके. सो सेवन कार्ड है, एंजेलिक साइन हम कह सकते हैं इसे. नेक्स्ट जो कार्ड है वह कनेक्शन मिक्सअप कम्युनिकेशन. तो ये कार्ड दर्शा रहा है कि इसके यू नो मोस्टली कनेक्शन आ रहा है, इट्स ऑल अबाउट मैरिज रिलेटेड, यू नो, बट इट ऑल्सो कनेक्ट्स टू समवन, ओके. इसके लाइफ में समबड़ी है स्टार्टेड टू कनेक्ट विथ हिम और हर. ये आप भी हो सकते हो, आपने भी शायद किसी से बात करना शुरू किया है, ओके. एंड कम्युनिकेशन शुरू हुआ है, आप बातें कर रहे हो एक दूसरे से, ओके. एंड आपकी बातें चल रही है, यू नो लाइक दैट. अगर इसे सामने से प्रपोजल आ रहा है तो उस इंसान से वो बातें कर रहा है, ओके. एंड अगर हम आपके बारे में बात करें तो शायद आप भी किसी दोस्त से बातें कर रहे हो. एंड एक बहुत ही अच्छी व्यक्ति है वो, या फिर खुद ब खुद एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है. अगर आप 2 या 7 महीने से यू नो सेपरेटेड हो, तो आपकी लाइफ में ऐसा मौका आ सकता है कि समबडी आउट ऑफ द ब्लू डायरेक्टली आपके लाइफ में एंटर करेगा, यू नो, एंड आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा. एंड यू विल सडनली रियलाइज कि ये व्यक्ति तो मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानता है, या फिर आप दोनों की जो लाइक्स है वो काफ़ी मैच होंगी, एंड कलर्स पसंदीदा होंगे, आपकी लाइक्स मैच होंगी. एंड ये व्यक्ति किसी भी तरीके से आपके ऊपर फोर्स नहीं करेगा कि आप मुझे कन्फेस ही करो अपना लव, या फिर यू नो लाइक दैट, या फिर बहुत जल्दी कि मुझे एक्सप्रेस करना है प्यार. नहीं, ही विल टेक द थिंग्स स्लोली, ओके. एंड आई थिंक पहली बात होगी कि ये व्यक्ति जो होगा वो डायरेक्टली आपको अपने माता पिता से मिलाएगा, ये कह के कि ये मेरी पर्सन है. तो ये आपकी लाइफ में हो सकता है कि कनेक्शन कार्ड आ गया है,
नंबर थ्री है। सो ये आपके लाइफ में हो सकता है, उनके भी लाइफ में हो सकता है ये, लेकिन पॉसिबिलिटी कि आपके लाइफ में भी हो सकता है। सो समवन इज़ गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ। हालांकि इसमें यू नो रिस्ट्रिक्शन भी हैं, जैसे कि मैंने कहा 2 से 7 महीने, ओके, एंड 14 महीने से 2 साल तक अगर आपका सेपरेशन है तो शायद ऐसे व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, ओके। हालांकि ये आ गया है सेकेंड ऑफ सॉर्ट्स, थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, ओके, अनेबल टू कम्युनिकेट, ठीक है, ये कार्ड आ गया यहाँ पे। तो आई थिंक ये जो व्यक्ति है ये अपने पुराने प्यार से, मतलब जो भी है इसका पुराना प्यार है, इससे शब्द मतलब इसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा है, ये उनसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसके लाइफ में बहुत चेंजेस होने वाले हैं, इसकी माँ इसके पीछे लगी हुई है, ओके, एंड इसके पेरेंट इसको कह रहे हैं यू नो इसकी पढ़ाई शायद अच्छी हुई होगी, यू नो इंजीनियर ग्रेजुएट हो सकता है या फिर अच्छा कमा लेता है इंसान, लेकिन यू नो इसके अफेयर हुए होंगे मे बी, बट इसका जो भी पास्ट लव है, मतलब शायद आपकी और इनकी कनेक्शन टूट गई है, तो आपसे बात करने में झिझक रहा है, यू नो टू ऑफ सोर्स है ये, एयर साइन है, तो आपसे कनेक्शन बन नहीं रहा है इसका, ठीक है। और इसके फैमिली को शायद पता होगा इसके बारे में, शायद इसके भाई या बहन ने कहा होगा कि दिल टूट गया है इसका, यू नो लाइक दैट स्टफ, लेकिन एक अनेबल टू कम्युनिकेट है, मतलब आपसे ये बात नहीं कर रहा है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है, वो है फोकस, ओके, ये फोकस कर रहा है, ये पेंटाकल्स का साइन है, 8 ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ही इज ट्राइंग टू फोकस, तो ये किस पे फोकस करेगा? प्रोबेबिलिटी है कि इसके लाइफ में न्यू लव एंटर करने वाला है, प्रोबेबिलिटी है, एंड अगर वो लव इसके एक्सपेक्टेशन से भी बहुत खूबसूरत होगा, जो भी व्यक्ति है वो, तो ये उसको बहुत लाइक करेगा, यू नो लाइक दैट स्टफ। लेकिन डेफिनेटली एक बात तो होगी कि जो एंट्री कर रहा है इसके लाइफ में वो व्यक्ति आपके जितना प्यार इसको नहीं करेगा, ओके, एंड आपने जितना दिल लगाया इस इंसान से, यू नो प्यार भरी बातें की है, सपोर्ट किया है इसको सही समय पर, वो व्यक्ति सिर्फ यू नो क्योंकि उसे भी कोई ना कोई सिर्फ चाहिए अपने लाइफ में, इसीलिए वो इनसे कनेक्ट हो रहा है। एक मिनट, मेरी कैट आ गई। सो ये व्यक्ति क्योंकि फोकस कार्ड मुझे दिख रहा है, एंड आई जस्ट सी समवन एंटरिंग इन हिज और हर लाइफ, हिज लाइफ, ओके, समवन इज एंटरिंग, ठीक है, ये हो रहा है उसके लाइफ में, एंड दिस इज पेंटाकल्स है, तो वो जो व्यक्ति होगी वो यू नो इसी के तरह का काम करती होगी, जो भी ये वर्क कर रहा है उसके ही, मतलब उसकी कलीग हो सकती है या सेम प्रोफेशन होगा, ओके, पैसा भी सेम कमा रही होगी वो व्यक्ति, ओके, सो इसलिए इसका फोकस ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति में वो सब दिख रहा है इसको जो उसे चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड जो है वो है कंप्लीशन, बिगिनिंग और एंडिंग, 10 कार्ड आ गया। तो 10 कार्ड में क्या हो सकता है, ओके ओके, तो जो मुझे दिख रहा है साइंस जिस आई एम यू नो कनेक्टिंग टू, आई थिंक ये व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होगा, जो व्यक्ति इसे मिलेगी उससे वो कनेक्ट होगा, एंड लाइफ में काफ़ी आगे जा सकता है, एंड यू कुड सी देम टुगेदर, एंड यू कुड हर्ट योर सेल्फ, ओके। तो शायद आप ज़िंदगी में अकेले रह सकते हो या फिर अकेले पड़ जाओगे। ये कार्ड तो दर्शा रहा है कि यू नो उसकी इस व्यक्ति के साथ बिगिनिंग हो रही है और आपके साथ एंडिंग हो रही है, तो जो भी व्यक्ति इसकी लाइफ में आप हो तो आपके साथ इसकी एंडिंग होगी और जो दूसरा व्यक्ति उसके साथ इसकी बिगिनिंग होगी, ठीक है। तो ये हो सकता है, यू नो प्रोबेबली दिस कुड बी हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ। सो अगर आपको ये चेंज करना है, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज, तो चेंज क्या करोगे, ये तो आप चेंज नहीं कर पाओगे कि ये उसके लाइफ में होगा, ये आप चेंज कर सकते हो फोकस, यू नो आप खुद इससे कम्युनिकेट कर सकते हो मे बी, ओके, मे बी इसका जो जवाब होगा वो आप सीधे सीधे सुन सकते हो, मे बी आपने अभी तक उसका जवाब सुना नहीं है, फाइनली आप उसका आंसर सुनोगे, तो जब सुनोगे तो शायद कुछ महसूस होगा। एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे नंबर 8 आ गया है, 8 महीने तक आप सेपरेट रह सकते हो, यू नो ये आपका कर्म बंधन भी हो सकता है, डिपेंड ऑन दैट, 6 से 8 महीने, ओके, या 6 से 8 दिन, 6 से 8 हफ्ते, एंड यू नो यू गोना फोकस ऑन समथिंग, ओके।
आपके लाइफ में तो अभी कोई नई एंट्री दिख नहीं रही है, ओके, लेकिन इसके लाइफ में नई एंट्री दिख रही है क्योंकि अभी फोकस कार्ड आ गया है, कनेक्शन हो रहा है इसका, लेकिन आपसे अनेबल टू कम्युनिकेट है। तो ये मतलब रू ही है, यूनिवर्स ने कुछ इसके लिए प्लान्स ही बनाया है कि इस तरह से ही होगा, ओके। तो है शायद इसके लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है, डिपेंड करता है, क्योंकि यूनिवर्स खुद इंटरवीन कर रही है इसके लाइफ में। यू नो यूनिवर्स के प्लान्स होते हैं हर एक के लिए, अलग अलग प्लान्स होते हैं, हम नहीं समझ सकते कि ऐसे प्लान्स क्यों बनाए यूनिवर्स ने। यू नो उनके पूर्व जन्म का खाता होता है, ओके, एंड पहले से ही सब तय होता है कि क्या होगा लाइफ में, कैसे होगा। लेकिन कर्म बंधन भी होता है। अब इसने जब जन्म लिया है तो किससे दोस्ती करेगा, क्या बातें करेगा, फ्लर्ट करेगा या नहीं, तो उससे इसका कर्म बंधन और बढ़ जाता है, तो इसका भी हिसाब किताब उसको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़, आई थिंक ये कार्ड आपके लिए आ रहा है, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ओके, तो ये आपको इग्नोर नहीं करना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, ओके, एंड वो किसी भी तरीके की हो सकती है, ओके, एंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, यू नो मतलब जो भी आपको पसंद है, जिस फील्ड में आपको एंट्री करनी है, उस फील्ड की काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, ठीक है। आई थिंक ये कार्ड आपके लिए आया है, ये पूरा जो पूरा सेट है ओरेकल का वो आपके लिए आया है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही है, यू नो, एंड फेरीज जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। एंड आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो चीज़ें हैं वो बहुत ही जल्दी मतलब टर्न लेंगी, बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में बदलाव शुरू होंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे इतने जल्दी सब शुरू हो रहा है, यू नो। सो यू वुड बी क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि हाउ कम दिस पॉसिबल, इतनी जल्दी, मतलब शायद उसके पहले आपकी शादी हो जाएगी, ओके, या फिर आप कर्म बंधन में यू नो अटक जाओगे, या फिर आप किसी को साइन अप करोगे अपने लिए, यू नो कि दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग। प्रॉबिलिटी दिख रही है कि शायद कोई व्यक्ति फॉरन में हो सकता है, यू नो, जिससे आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है, एंड लाइक वाइज, या फिर आपकी डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है, ओके, ये हो सकता है आपका। तो थिंग्स जो है बहुत ही क्विकली स्टार्ट होंगी, बहुत ही क्विकली शुरू होंगी, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए रेडी रहना होगा, क्योंकि पहला कार्ड है अपॉर्चुनिटीज, तो संधि जब आती है बहुत जल्दी आती है, तो उसको ग्रैब करने के लिए आपको रेडी रहना होगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड, इसको मत छोड़ना। ये जो कार्ड है ये, यू नो, बी योर सेल्फ। जब आप पहली बार मिले थे उस व्यक्ति से, इमेजिन आप कैसे मिले थे, यू वेर योर सेल्फ। अभी जो आप हो, आप उसके बारे में सोचते हो, यू आर नॉट योर सेल्फ, यू नो, समझ में आ गया फ़र्क। आपके जो भी फैमिली है, या आपके जो फ्रेंड्स, या आपकी भाई बहन जो है, वो आपको कहते हैं कि अच्छे से ड्रेस पहन, तैयार हो अच्छे से, यू नो, रिस्ट वॉच जो भी है, इफ़ यू आर गर्ल यू आर वेयरिंग लिपस्टिक, यू नो, मेकअप जो आपको पसंद है, यू नो, हेयर शाइन, वट एवर यू डूइंग, यू नो, अभी शायद कोई कलर भी करता होगा हेयर्स को, ओके, जीन्स पहनते होंगे, टॉप पहनते होंगे आप, जो भी आपको बहुत पसंद है, जिसकी वजह से आप, यू नो, अपनापन आपको लगता है, यू नो, जस्ट लाइक यू आर बींग योर सेल्फ, ये मैं हूँ, राइट। इफ यूर गाइस यू मस्क्यूलर, यू नो, यू जस्ट वॉन्ट टू हैव, यू नो, बाइक एंड स्टाफ एंड कूल गैजेट, यू नो, स्मार्टफोन, यू नो, हैवी वाला, ओके, रिस्ट वॉच तो मेन होगी नहीं चाहिए, ओके, एंड गॉगल स्टफ, राइट। लेकिन जब आप इस व्यक्ति से मिले, तब तक अभी अगर आप खुद को एनालाइज करोगे, तो आप बस इसके बारे में ही सोच रहे हो, यू डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ। आपने मतलब अपने आप को कहीं पे खो दिया है, यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ। जैसे पानी का बहाव में सब बह जाता है, यू नो, आप एक नाव तैयार करो, पानी में छोड़ दो, पानी का बहाव है तो पानी के साथ चली जाएगी। सो इट्स लाइक यू आर फ्लोन अवे, बचा क्या है फिर। सो फाइंड योर सेल्फ, ये कार्ड आ गया आपके लिए सॉलिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से ये बातें आपकी लाइफ में नहीं होंगी, अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, और थिंग्स भी क्विकली नहीं मूव होंगी, ठीक है। ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके लाइफ में हो रहा है तो यू आर द लकी वन, ओके। अगर आप मिसिंग लव कर रहे हो तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि आपके लाइफ में ये सब चेंजेस होंगे, ठीक है। एंड ये क्यों लकी है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मैंने अपना प्यार खो दिया है, आई हैव लॉस्ट माय लव, क्लियरली एक्सेप्ट कर लो। क्या होता है ना, आप झूठी आशा बांधते हो, ये व्यक्ति आएगा वापस, कब आएगा, 2, 4, 6, 8 साल हो जाते हैं, यू नो, और ये व्यक्ति कभी आता ही नहीं वापस। शायद फ़ोन करता है बीच बीच में, कनेक्ट करता है, मैसेज करता है, लेकिन
अधूरा होता है, वो बस चेक करता है कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या आज भी आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं, तो फिर यू नो उसको अच्छा लगता है कि वाओ समबडी हैज़ फीलिंग फॉर मी इवन दो आई एम मैरिड इवन दो आई लाइक दैट। सो ये बहुत गलत है, ये आपको कन्फेस करना है कि आई हैव लॉस्ट माई लव, और तब आपकी लाइफ में ये आएगा ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। इनफैक्ट अगर आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है, ओके, तो क्या हो सकता है ना कि अगर आप कह रहे हो कि मैंने मेरा साथ छूट गया इस व्यक्ति का, तो ये व्यक्ति खींचा चला आ सकता है आपके लाइफ में। प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, 20% है, 2% से लेकर 20% है, ओके। लेकिन बहुत सारी खुशियां आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाली है बहुत ही जल्द, सो बी रेडी फॉर दैट। लेकिन उसके लिए आपको ये करना होगा, सॉलिट्यूड, बी योरसेल्फ एंड बी अलोन, इस सब चीज़ों से बहुत दूर, ओके, एंड मिसिंग लव। ये था आज का रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर।